भाई ये जो ऊपर लगी हुई है दोम है, जो नीचे वो अव्वल है, वो यार इसलिए कि दोम है ऊपर तेरे जो है को, ना यार मट्टी दोम है डस्ट तेरे और को, बारिश पड़ती है वो तेरे दोम तेरे रह तेरे जाती दोने है। वो दोम दे। बाकी जो है वो अव्वल रहती है, अच्छा क्योंकि भट्टे पे आया हूँ, क्योंकि काम मेरा यार कारोबार अब बढ़िया इस चीज़ बढ़िया, का है, सही तो बात यहाँ है पे सही विजिट बात तो होते ही रहेंगे, तो मैं आपको क्वालिटी थोड़ी सी है। चेक अच्छा करवा दूँ कि क्या कैसे चेक की यार जाती है। बढ़िया हाँ अव्वल ये है, खनकाल मारूँ की बात होती है। अव्वल ही बात है ना यार, लेकिन टूटिया नहीं है। कच्चियाँ है ये, नहीं यार है अव्वल एक चीज, तो कहना ही उतले दो पता नहीं केड़े होंगे यार, थले केड़े होंगे यार। वो उतले दो बार उसको लाते जाते। अच्छा तो बाकी थले अव्वल है। मैं और साकिब भाई जो है सुबह से निकले हुए हैं, बट्टों बट्टे ही बट्टे हुए हैं, सब बट्टों बट्टा हुआ मैं, तो बट्टों बट्टा हुआ मैं, तो साकिब भाई मुझे विजिट करवा रहे हैं यहाँ पे लाहौर में, जितने भी बट्टे हैं लाहौर में नहीं होते हैं, वाघा बॉर्डर है लाहौर के, वाघे बॉर्डर की तरफ जितने भी बट्टे यहाँ का रेट ले रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं। बाद इन्हें अच्छा ये जो है ना ये कच्ची ईंट है। ये जो मिट्टी होती है इसको पहले ये तो पहले इसके साथ कुछ मिक्स करते हैं, शायद रेत मिक्स करते हैं, उसके बाद दोबारा ये कच्ची है, अभी पहले गीली हाँ। है, अभी जब खुश्क हो जाएंगी उसके बाद इनको ऐसे कर्व में ले जाएंगे और फिर ये आगे प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। अच्छा यार साकिब भाई एक बात नोट की होगी, यहाँ पे भट्टों के जो मालिक हैं उनके नखरे वैसे बहुत ज़्यादा है, किसी की शेरनी ने बच्चे दिए हैं तो बोलते हैं अपने माल ही नहीं बेचना, आज हमारी शेरनी ने बच्चे दिए हैं, दूसरा बोल रहे हमारे मेहमान आए हुए आधे एक घंटे के बाद आ जाना, तीसरा कहते हैं जिस इलाके में आप यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर होगा भट्टा जो कितना होगा, हाँ 10 किलोमीटर दूर है, तो कहने लगा इतनी दूर हम ईंट लेके नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ते में पुलिस वाले हमें तंग करते हैं। जी ये माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, ये मुछों को वट दिया है माशाल्लाह, दाढ़ी मुबारक जो है बहुत ही ज़बरदस्त, दूर से बंदा देख के रुक जाए। और इनका कारोबार की थोड़ी नौयत ये है कि इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई है देसी, और देसी मुर्गियों को ये क्या क्या देते हैं अंकल जी? सब्जियाँ और आप बताऊँ फिर टिंडे फड़ी नहीं जानी है, बढ़िया तिखियाँ मुर्गियाँ को मुर्गी खाने दिया मुर्गियाँ। तो भाई ये बड़ी ज़बरदस्त इनका कारोबार है माशाल्लाह। कहना किन्ने का चूचा लेंदे हो, किन्नी मेहनत कर दे हो? ये चूचा 260 रुपए किलो देते हैं उस टाइम। अच्छा दो चूजे तीन चूजे चार जन एक किलो दे। अच्छा उस तो बाद फिर असि इनू मेडिसिन भी देने। अच्छा तो बीमार हो जाता मेडिसिन के हवाले में मेडिसिन भी दे दी है, फिर खुराक दे दी है, उस तो बाद फिर गंदम बाजरा मक्की दाल के ओदा बना के दलिया ऐसा मुख्तलिफ चीज़ा इन्होंने खाई। ठीक हो गया फ्रेंड यार, मैं पहले घर फोन करना जे तो देसी मुर्गी चाहिए तो इतों चाचे को अज लै के जाने हैं, मैं पहले फोन करके बोलना, मगर उसका रेट तो ज़्यादा था 1000 रुपये क्योंकि तकरीबन आधा किलो गोश्त होगा, मैंने घर में फोन किया तो घर वाले बोल रहे हैं 1-2 किलो गोश्त आया ना बकरेगा, ये 1 किलो गोश्त 2000 रुपये सिवा करवाएंगे वो भी 100-200 रुपये लेगा, या खुद भी करेंगे तो खुद तो सही से गोश्त बन नहीं सकता है, इसलिए मुर्गियों का प्रोग्राम कैंसिल, अभी महंगे पकड़ा आज नहीं वो अभी पता नहीं जब मुर्गी में मौका मिला, तो ये सिचुएशन होती है यहाँ पे पाकिस्तान में दूसरे में नहीं, आगे आगे देखते हैं पता है की तरफ लेके जा रहे हैं, वो धुआं उसका वो धुआं निकल रहा आप देख सकते हैं कि पता नहीं लग रहा हमें रास्ता कहाँ से है उसका। की हाल है? हाँ पठेरे जाना है चलो ठीक हो गया ठीक है, तो यहीं पे बड़े हो जाते हैं, यहीं पे ईंटे बनाते हैं, यहीं पे बेच के यहाँ पे शादी कर लेते हैं, यहाँ पे ब्याह कर लेते हैं। लो भाई अगर करोला गड्डियाँ खड़ी हैं, GLI खड़ी है आगे, बहुत अच्छा पॉइंट है इनका। चलो मैं साकिब भाई का भी इंट्रोड्यूस करवा दूं कि देख ले भाई गाड़ी वाड़ी रखी है, फुल घूमने फिरने वाला बंदा है, पूरे लाहौर की गली गली जानता है। इस तरह उन्होंने बोला है भट्टे की इस साइड आप चले जाएं, यहाँ की हमारी ईंट जो है वो महंगी है, तो मुनासिब होगा कि आप हमारे भट्टे से ना ही लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग महंगा माल देते हैं। क्वालिटी इनकी वो नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। आगे ये भट्टा चल रहा है भाई, भाई खाने खाना वगैरह खाने लगे भाई, साकिब भाई ने बोला खाना खाए बगैर नहीं जाना। हाँ यस अभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूटी ढूंढेंगे, ड्यूटी छुट्टी हो लगी है, मगर अभी बाहर की चीज़ें मैं खाना ज़्यादा पसंद तो नहीं करता हूँ, अभी खा के चेक करते हैं कैसी है कैसी है।
बात ये है कि अगला वीडियो साकिब भाई के साथ ही आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर करें, अपना और अपने दोस्तों